Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. क्यों चौबे शुरू हो गया? ड्यूटी का आधा हिस्सा तो खैनी में निकाल देता। आपके चक्कर में खैनी भी नहीं खा सकते। मैनेजर साहब भी इतना नहीं डांटते हमें। मैनेजर साहब तुमको नहीं, मुझे डांटते हैं। भजन जी तो काम करते करते पागल हो गए। अरे भाई, मालिक का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो मालिक हमारा ध्यान कैसे रखेगा? खैनी बीड़ी छोड़ के थोड़ा काम पे ध्यान लगाओ, तुम्हारी वजह से तो कारखाना ही बंद हो जाएगा। लीमा आई पापा। लीमा हेलो। दे दो। चलो भजन साहब। हाँ थोड़ा सुनिए। बोलिए। महीना तो खत्म होने में आया। हाँ। पहले तारीख को मेरे को घर का किराया चाहिए। आप तो ये जानते हैं कि लोग मुझे बुरा आदमी समझते हैं, लुच्चे लफंगे ना जाने क्या क्या बोलते हैं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले तारीख को अगर मुझे किराया नहीं मिला फिर मैं आपको घर से निकाल दूंगा। तब आप कितना भी रोओगे तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये बात याद रखिएगा। क्यों तुम क्यों आए यहां? जाओ अंदर जाओ। भजन जी आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो इसी तरह बात करते हैं हमेशा। मुझे पता दीदी, वो हर महीने ऐसे ही बोलते हैं, इसके लिए आप चिंता ना करें। पापा। आए हो? अभी आया बेटा, पूरे दिन मस्ती तो नहीं किए ना? नहीं। दीदी का हर बात माने है? जाओ तुम लोग अभी हाथ मुंह धो। जाओ पापा आप भी जाइए, मुंह धो के आओ। क्या ये क्या मेरे चावल? भगवान मेरी इस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखना, उसकी इस तकलीफ को देख नहीं सकता। क्या हुआ, खड़े क्यों हो ऐसे? अरे नहीं नहीं, जाता हूँ जाता हूँ। जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। पापा आपका पानी। रोकीज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड रोकीज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। Jack and Jill went off the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. Papa, देखो ये पिगी बैंक तो भर गया है, इसी महीने में पूरा भी हो जाएगा। आ बेटी यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर। मुझे आराम करने की फुर्सत ही नहीं है, बर्तन साफ जो करने हैं। आप आराम कीजिए। कमल मेरी दोस्त है, हम दोनों हर सुबह बाहर घूमने जाते हैं। बहुत नींद आ रही है। अच्छा जाओ, बहुत रात हो गई है, सुबह पढ़ लेना। अच्छा। पापा अब तक सोए नहीं? नहीं बेटी। इतनी रात गई क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ। पापा क्या देख रहे हो? तुम्हारी माँ जाने के बाद जैसे मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा, चिंता सता रही थी कि तुम लोगों को बड़ा कौन करेगा। लेकिन तुमने मेरी सब चिंता को दूर कर दिया बेटी। तुझे जब भी देखता हूँ आश्चर्य होता है। इतनी छोटी सी उम्र में तूने इतना काम कहाँ से सीखा? क्यों, माँ सिखा के गई? माँ जो जो करती थी मैं वही करती हूँ। भाई बहन के ऊपर इतना प्यार देख के मुझे ऐसा लगता है तू उनकी सिर्फ बहन ही नहीं, तू उनकी माँ है। मेरी एक विनती है, जब तक जिंदा रहेगी तब तक बहन नहीं, माँ की तरह से उन्हें तू पालना, माँ की तरह प्यार देकर उन्हें बड़ा करना। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे सुख के लिए उन्हें तकलीफ ना हो। और कभी लोग कोई भूल करते हैं, अन्याय करते हैं, माँ की जैसे उन्हें माफ कर देना। बोल बेटी, मेरी ये विनती तू सुनेगी? बोल। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, आपकी ये बात मैं हमेशा याद रखूँ, उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं होने दूंगी।
अगले हफ्ते नाइट शिफ्ट है ना? हाँ यार, नाइट शिफ्ट होगा तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। अरे अपनी तकलीफ कौन समझता है, बोलो ना। चलो भैया चाय पीते हैं। हाँ चल। नहीं भाई तुम लोग जाओ, पूरे दिन घर से मैं काम के लिए बाहर रहता हूँ तो छूटने के बाद उनको देखने का दिल करता है। अच्छा मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। अरे एक्सीडेंट है भजन जी का, क्या हो गया? देखो देखो देखो, उठाओ इसको। अरे उठाओ जल्दी से, उठाओ उठाओ उठाओ। सर सर, फोरमैन साहब काम नहीं करने दे रहे, उन्होंने बोला कि मेरी नौकरी गई। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हैं? वो तो सही बोला ना, कारखाने में लंगड़े आदमी से क्या काम होगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे अगर पैसे कुछ बाकी होंगे तो अकाउंटेंट से ले लो। सर नौकरी के बगैर मर जाऊंगा सर, दया करिए सर, थोड़ा तो दया करिए। दया से काम नहीं बनता, मुझे काम के आदमियों की जरूरत है। राम सिंह जी सर, इन्हें अकाउंटेंट के पास ले जाओ। सर सर इस तरह मत निकालिए सर, सर 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 मेरी बात तो सुनिए सर सर। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? आज एक महीने हो गए मेरे पास कोई काम नहीं, मुझे कुछ भी करके कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं अपने बच्चों के साथ में दो वक्त की रोटी खाकर जिंदा रहूं। पापा घर में अनाज नहीं है, सब लोग भूख से तड़प रहे हैं, क्या करूं मैं पापा? तू उनको बोल मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। जल्दी आना पापा। सामान सब रेडी है ना? रेडी है सर, वो सब टाइम पे पहुंचा देना। सर, ओके सर। सर कुछ काम दीजिए ना। काम? हाँ सर कोई भी काम, परिवार के साथ बहुत तकलीफ में हूँ सर। काम कहाँ से मिलेगा? दीजिए ना सर कोई काम। काम? काम क्या झाड़ से फलता है? झाड़ से निकल के दे दू तुम रात में? पता नहीं जाते हो या यहाँ से धक्का मारू। नहीं अब मैं क्या करूँ, घर में मैं क्या जवाब दूंगा, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं एक बाप होकर उनके सामने खाली हाथ कैसे जा सकता हूं, कहां से मिलेगा? आखिर मुझे वही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। पिताजी देखो, लगता है कुछ दिनों में ये पूरा भर जाएगा। करने के लिए तूने मुझे मजबूर किया, हे भगवान आज मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, बाप होके भी बच्चों को खाना खिलाने की भी औकात नहीं रही। मुझे पता है बेटी, इस गुल्लक को तूने कितने प्यार से रखा है, तू मुझे माफ कर देना बेटी, माफ कर। दीदी पापा तो अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ रे पापा को गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आए वो, तू रोना मत। हाँ दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ले माँ। वो देखो पापा आ गए। पापा इस पे पाव और केले हैं, सबको खिला दे, और थोड़ा सा चावल है उसको बना दे बेटा। पापा ये क्या हुआ, आपके माथे से खून क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं,
खून निकल रहा है, आप कहीं गिर गए थे क्या? नहीं बेटी, वो मेरे फूटे किस्मत का खून है। तू जा, जाके खाना बना बेटी, जा। आज का दिन तो कट गया, लेकिन कल परसों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, तुम सबके मालिक हो, तुम इनका ध्यान रखना, ध्यान रखना भगवान। ये क्या, मेरा पिगी बैंक कहाँ गया वो? अमित, क्या हुआ दीदी? अमित सुन, मेरा पिगी बैंक नहीं मिल रहा है, तूने कहीं देखा क्या? लीमा, लीमा पापा, हा? मेरा पिगी बैंक नहीं मिल रहा है, शायद चोरी हो गया वो। चोरी हो गया? हाँ, मेरे पैसे चोरी हो गए। इतने दिनों से एक एक पैसा जमा करके मैंने उसे भर के रखा था, क्या पता कौन मेरा ये पिगी बैंक चोरी करके लेके गया। भगवान उसे जरूर सजा देगा, उसे जरूर सजा मिलेगी, ताकि उसको कभी चैन नहीं मिल पाए, कभी चैन नहीं मिल पाए। दे बेटा दे, तू जितना चाहे श्राप दे सकती है, तू दिल से अभिशाप दे, लेकिन तू रो मत बेटी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरा रोना नहीं कर सकता। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। सुख का एहसास कर लेगा दिल, रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। परवा नहीं गर अंधेरा से सब छुप गया, प्यार की रोशनी जलती रही सदा। परवा नहीं गर अंधेरा से सब छुप गया, प्यार की रोशनी जलती रही सदा। ये रोशनी लाएगी नया सवेरा, रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू, सुना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना।
जीवन के दो पहलू हैं हंसना रोना, जीवन के दो पहलू हैं हंसना रोना। पकड़ो पान। मैं कुछ काम से जाके आता हूँ। भजन जी, लंगड़ा होगा इसलिए तो एक महीना छोड़ दिया मैंने आपको, अभी मेरा किराया तो दीजिए। भैया आप तो जानते ही हो, लंगड़ा होने की वजह से मेरी नौकरी चली गई, परिवार के साथ बहुत तकलीफ से जी। किराया अगर नहीं देंगे तो मेरा भी वही हाल हो जाएगा, ये बात आपको पता है ना। सुनिए, ये मीठी मीठी बात बोल के मुझे बुलाने की कोशिश मत कीजिए, दो दिन के अंदर किराया नहीं मिला तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, याद रखिएगा, ये आखिरी बार कह रहा हूँ। अब क्या करेंगे पापा? चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा, याद रखना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मैं आता हूँ, देखता हूँ कुछ काम हुआ मिल जाए तो। लो, ये सब खा लो, तुम्हारे पिताजी अब तक लौटे नहीं तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें खिला दूं। खा लो तुम सब। चाची आपने क्यों तकलीफ की? पापा बाहर गए थे, खाना लेके आएंगे वो। तुम्हारे पापा कब आएंगे वो मुझे पता नहीं, तुम फिलहाल खा लो ना। क्या हुआ, लो ना। लेकिन चाची। लेकिन वेकिन क्या, मैं तुम्हारी चाची हूँ ना, चाची अगर प्यार से कुछ दे तो उसे ना नहीं कहते। लो खा लो तुम सब। ये सब हाय रे मेरी किस्मत, इतनी महंगी जो सब्जी लेके आए वो तुम इन भिखारियों को दे रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है तुम्हें देते हुए? तुम मेरे घर के विभीषण हो समझे, घर के अनाज लेके बांट रहे हो, ला इधर ला इधर ला। तुम इस तरह बच्चों के हाथ से खाना छीन कैसे सकते हो? तुम्हारा बाप का क्या जाता है? हाँ मेरे पैसे से खरीदे हुआ खाना है अनाथ भिखारियों को खिला रही हो। भूलो मत, इनके पिताजी अभी जिंदा है, पिताजी होते हुए भी उन्हें अनाथ कहते हो। ओ लंगड़ा आदमी अभी भी जिंदा है, वो अभी भी नहीं मरा। चाचा थोड़े से अनाज के लिए आप मेरे पिताजी को मरने को कह रहे हो? हाँ कह रहा हूँ, दिल से चाह रहा हूँ मैं, इसमें तुम लोगों को बुरा नहीं अच्छा ही होगा। तुम्हारे अब पिताजी मर जाएगा फिर अनाथ आश्रम में पेट भर के खा सकते हो, इस तरह तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इतना अच्छा खाना बनवाया इन अनाथ को खिलाने के लिए, मैं खाऊंगा इसलिए। आओ ऊपर चलो, तुम्हारे अब पिताजी मर जाएगा फिर अनाथ आश्रम में पेट भर के खा सकते हो, इस तरह तुम लोगों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पापा अब तक घर नहीं लौट, कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना उनके साथ? अमित, अमित जल्दी से उठ ना। क्या हुआ दीदी? सुबह हो गई, पिताजी अब तक घर नहीं लौटे, जल्दी जल्दी चल पिताजी को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढे? चल आसपास ही कहीं देखते हैं। चाचा जी आपने मेरे पिताजी को देखा? नहीं रे बेटा। सुमी पापा तो कहीं दिख नहीं रहे। दीदी पापा कहाँ गए? जहन्नुम में चले गए तेरा बाप, अब तुम लोग भी यहाँ से निकलो। चाचा जी हम पे दया कीजिए, थोड़ी सी दया कीजिए। मैं तुम पे दया करूँ? हाँ दया, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम लोगों पे दया करूँ? इस घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, तुम लोगों के बाप से जो मुझे पैसा लेना था इस घर का सामान बेचा तो भी पैसा वसूल नहीं होगा, इसका मतलब मैं सारा पैसा छोड़ तो नहीं सकता हूँ, कुछ भी सामान नहीं लेके जाना यहाँ से, वो सब बेच के जो मिले वही फायदा। क्यों चुपचाप क्यों खड़ी हो, निकलो निकलो यहाँ से। चाचा हम कहाँ जाएंगे, हमारा और कोई नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वक्त बर्बाद मत कर, चल निकल यहाँ से।
निकल यहाँ से। अरे लीमा, दीदी, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? ए, बीच में दखल अंदाजी मत करो, जाओ अंदर जाओ। चाचा, हम लोग जाते हैं, मेरे पापा का फोटो दे दो बस। पिताजी का फोटो चाहिए? जा उसे लेके यहाँ से जा और थोड़ा मुझे शांति दे, जा। तुम लोग रुको। चाची, हम लोग जा रहे हैं, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, तुमसे कोई भूल नहीं हुई, भूल तो मुझसे हो गई है, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। चाचा, हम लोग जा रहे हैं। जा जा, जल्दी जल्दी निकल। चलो। ओफ, शांति मिला, अब जाके मुसीबत टली। दीदी, पापा को कहाँ ढूंढे? एक काम कर, तू वहाँ देख, हम लोग यहाँ देखते हैं। अरे बच्चे को, अरे क्या हो गया उसको, क्या हो गया देखो। अरे हटो भाई हटो। ये तो छोटा बच्चा है, रास्ते के ऊपर बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और आप लोग खड़े खड़े यहाँ पर मुंह देख रहे हैं। चलो बेटा चलो चलो अस्पताल लेके चलते। अस्पताल क्यों जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए ना। कहाँ जाना नहीं जाना मैं समझूंगा, तुम मुझे सलामत दो। अरे चलो हटो, थोड़ा हट जाओ। ये तो बारिश हो रही है, अब क्या करें? इनको लेके कहाँ जाऊं? अमित भी कहाँ चला गया पता नहीं। भगवान, आपको छोड़ के हमारा और कोई नहीं, हमारा ध्यान रखना भगवान। दीदी बारिश हो रही है, दीदी डर लग रहा है। चलो हम लोग उस मकान के नीचे जाके रुकते हैं। दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। दीदी मुझे भी बहुत भूख लगी है। ए, तुम लोग कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई साहब, हमारा कोई नहीं है, मेरा भैया कहाँ चला गया पता नहीं, मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मेरी बहनें भूख से तड़प रही है। तुम लोग मेरे साथ आओ, देखता हूँ मालिक को बोल के कुछ बंदोबस्त करता हूँ, आओ। तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है? नहीं। ओह गॉड। साहब, घर का सारा काम मुझे आता है, आपके घर में हमें अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं भी ऐसे कुछ सोच रहा था, लेकिन तुम्हारी बहनों के साथ रहोगी कहाँ? साहब, कहीं ना कहीं भाड़े पे घर ले लेंगे हम। रामो, कल सुबह मेरे से पैसा लेके इनके लिए एक रूम इंतजाम कर देना। लेकिन आज की रात ये लोग कहाँ पे रुकेंगे? आज रात तू अपने पास रख लेना। चलो मेरे साथ। दीदी मुझे कंगी नहीं करके दोगी? दीदी हूँ। सुनो, स्कूल में मस्ती मत करना। अच्छा। दोनों पूरा टिफिन खत्म कर देना। चलो। पापा को बोलो स्कूल जा रहे हो। पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, चलो चलो। बिन माँ के बच्चों के लिए ऐसे ही किसी को ढूंढ रहा था मैं। अजय विजय को तुम इस तरह अपना बना लोगे और वो लोग भी तुम्हें अपनी दीदी समझ के इतना घुल मिल जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था।
मेरा, तुम्हारे हो दो बच्चे, आज कितने बड़े हो गए। आखिरी वक्त पर तुमने जो वचन लिया था वो आज भी मैं भुला नहीं। उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो, दुख ना हो, इसके लिए अपना सारा प्रयास है। मेरा तुम ऊपर से आशीर्वाद करो, वो लोग अच्छा इंसान बन सके, समाज में अपना सर ऊंचा करे। ला 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 ला, दीदी दीदी, तुम्हारा ए और बी आ गया। ए भी मतलब? अजय का ए, विजय का बी। तुम इतने जल्दी कैसे लौट आए? कॉलेज मैच में जीता, इसीलिए छुट्टी हो गई। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना जल्दी। खाना दो कहने से हो जाएगा? पहले हाथ पैर नहीं धोगे? जाओ हाथ पैर धो लो। बाद में धो लेता हूँ, पहले खाना लाओ। देखा ना आपने, आते ही कहता है खाना दो। मुझे बोलने से क्या फायदा, मेरी कौन सी सुनता है वो। उन लोगों की सब कुछ तो तुम ही हो, बचपन से माँ की ममता और बहन का प्यार, ये सब तो तुम से ही मिला। पापा सही बोल रहे हैं। सिर्फ सही नहीं है, 100% सही बोला है। दीदी सच में अगर आप नहीं होती तो हम कहाँ होते पता नहीं। हम दोनों भाई को, तुम्हारी दो बहनों को पालने में कितनी तकलीफ उठाई। लेकिन दीदी तुम्हारी बहन के बारे में तो रोज सुनते हैं, आज तक कभी देखा नहीं उसे। तुम्हारी दोनों बहनों को बुलाओ ना कभी। जरूर बुलाऊंगी, एग्जाम सर पे है, भगवान की इच्छा से अच्छे से पास हो जाए फिर जरूर बुलाऊंगी यहाँ पे। सच में दीदी तुम्हारा कोई जवाब नहीं, खुद के सुख और अरमान को भूल के कितनी तकलीफों से अपनी बहनों को पढ़ा रही हो। सच में दीदी खुद के बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ हमारे लिए बलिदान देती रही। एक महान इंसान की जीती जागती मूरत हो तुम, हमारी प्यारी माँ जैसी दीदी। हाँ। बस बस बस, बहुत लेक्चर हुआ, अब कोई बात नहीं, हाथ पैर धोकर जल्दी से खाओ। बड़े भाई जब सबका हुक्म है मानना ही पड़ेगा। चलो चलो आ जाओ, जाओ चलो, भूख लगी है छोटे। पता नहीं अम्मी तब कहाँ होगा, अगर आज वो मेरे पास होता तो इन्हीं की तरह हंसता बोलता, मुझसे कितना प्यार करता। भगवान वो जहाँ भी हो उसे तुम हर तकलीफ से दूर रखो भगवान। पेमेंट मुझे टाइम पे मिलना चाहिए। चोर 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 चोर, मेरा पैसा ले गए, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर 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 चोर, अरे कोई तो पकड़ो, अरे मेरा पैसा। मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी, मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी। दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं, दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं, यही है मेरी हीरोपंती, यही है मेरी आवारी। मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी। गाँव में शहर में नगर में नगर की गलियों के भ्रमर में मैं हूँ राजा धीरा, सहू न किसी की बेईमानी। गाँव में शहर में नगर में नगर की गलियों के भ्रमर में मैं हूँ राजा धीरा, कहूँ ना किसी की बेईमानी। मैं हूँ टॉप आवारा जानू मैं आवारी।
मुझको जो वो पहचाने अपना मुझे जो माने पाना मुझे सब चाहे मेरे पीछे है दुनिया दीवानी मुझको जो वो पहचाने अपना मुझे वो माने पाना मुझे सब चाहे मेरे पीछे है दुनिया दीवानी मैं हुट्टा आवारा जानू मैं आवारी दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं दुनिया की आंखों में धूल उड़ाऊं यही है मेरी हीरोपंती यही है मेरी आवारी मैं हुट्टा आवारा जानू मैं 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 आवारी नमस्ते उस्ताद इसमें 1000 रुपया है 1000 ठीक है तू उधर खड़ा हो जा सलाम अलैकुम इसमें 13000 रुपया है वाह 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 यही तो चाहिए नमस्ते उस्ताद इसमें 500 रुपये हैं 500 रुपया सिर्फ 500 रुपया मिला हाँ उस्ताद रह किधर उसके पास जाके खड़े हो जा नमस्ते उस्ताद आज तो मैं कुछ नहीं कमा पाया पे नहीं गया गया था उस्ताद लेकिन आपने जहाँ मुझे भेजा था वहाँ पुलिस था तो क्या हुआ पुलिस का काम पुलिस करेगी और तेरा काम तू करेगा पुलिस को देख के अगर तुझे डर लगता है तो तुझे पालने का क्या फायदा भाई ए इसको 10 किलो दे आजा आजा तू क्या देगा मैं दूंगा नहीं उस्ताद खाऊंगा क्या खाएगा एक घूसा इस दड़ियल को 5 किलो दे जा नसीब खराब था उस्ताद मेरा मैंने एक बहुत बड़ी बैग मार ली थी लेकिन खोल के देखा तो उसमें ये था ए लो मेरा असली काम तो अब आया आजा आजा बैठ बैठ बोल तेरी क्या खबर है ये लीजिए इन सब के अंदर अच्छा खासा पैसा है वाह 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 ये लो देख 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 मूर्खों देखो मेरी बेटी लाई है और तुम लोग क्या लेकर आए हो सोचो तुम लोगों को ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या एक लड़की जो कर सकती है तुम उसका आधा हिस्सा भी नहीं कर सकते जा 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 जा, जा, जा मेरी नजरों से दूर हो जा जा उस्ताद ये लो उस्ताद शाबाश 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 ऐसे ही थोड़े तेरा नाम टाइगर रखा है मैंने ले तेरा ऐसे कभी मैंने आपसे हिस्सा लिया क्या उस्ताद बचपन से मैंने सारा पैसा आप ही के पास जमा किया है कुल 1,00,000 रुपया तो हो गया होगा ना उस्ताद वो तो हो गया होगा बापू के पास तो सिर्फ पैसा जमा करता रहता है खुद के लिए तो कुछ नहीं रखता तू ऐसा क्यों किसके लिए इतने पैसे जमा करता है तू मेरी दीदी और छोटी बहनों के लिए आज भी मैं वो दीदी का रोना और उसके बहते हुए आंसू नहीं भूल पाया हूं रात को जब सोता हूं तो आज भी वो नजारा मेरी आंखों के सामने आता है हम भाई बहन भूख से तड़प रहे थे और मेरे पिताजी के पास एक पैसा नहीं था पिताजी के पास कोई चारा नहीं था दीदी ने मेहनत से जमा किए हुए पैसे को चोरी करके उस दिन हम लोगों की भूख मिटाई थी जिसका गवाह था एकमात्र मैं उसके बाद मेरी दीदी कितना रो रही थी कितनी तकलीफ हुई लेकिन पिताजी बोल नहीं पाए कि चोरी किसने की और मेरी जुबान में पता नहीं
किसने ताला लगाया था? जाने दो, मेरी दीदी सोनी सुमी अब कहाँ है, कैसे हैं? तू उदास मत होना अमित, देख लेना एक ना एक दिन तो उन लोगों से जरूर मिलने वाला है। भगवान करे कैसा ही हो। पहला क्लास किसका है रे? एके जी सुनना, आज पिक्चर चलते हैं, मजा आएगा। सिनेमा टिकट मिलना इम्पॉसिबल है आज। मिल जाएगा, नोट क्लास जरूरी है। हाय अरे बाप रे, देख दोनों बहन, चल उनके पीछे पढ़ते हैं। छोटे हाँ? अगर कुछ बोली तो क्या बोलेगी? चलो ना जाएंगे। हाँ चल। हाँ कल अदिति आई थी। 1 2 सॉरी मैडम, आपको लगी तो नहीं है ना? यू फूल, जानबूझ के गिरा के सॉरी बोलता है? सॉरी बोलते ही सारे गलती नहीं, मेरा मतलब है हमको समझ में नहीं आया। वेरी वेरी सॉरी। हे तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़ते हो? हाँ लड़कियों का पीछा करते हुए शर्म नहीं आती? नहीं मतलब तुम दोनों ना कॉलेज के सबसे सुंदर लड़कियां हमारे पीछे पड़ते हो, सबको बताओ तुम्हारी बात। असल में हम दोनों भाई है ना, तुम दोनों को बहु। ए छोटे तू बोल ना। बोल दू? हाँ चल बोल ही दिया। मतलब हम दो भाई है ना, तुम दो बहनों को बहुत चाहते हैं। बहुत चाहते हैं। और चाहत से प्यार, प्यार से चाहत, चाहत से प्यार। छोटे और नहीं बोल पा रहा हूँ, तू ही बोल दे। मैं देख के बताता हूँ। मिल गए, ये हमारा जो फीलिंग है उसे तुम प्यार में बदल दो। ऐसा क्या? सही है। तुम एक काम करो, उस पास के तालाब में सुमी अब तू बोल। बोलती हूँ, हमसे दिल लगाने से पहले हाँ, हाँ। तालाब में जाके डुबकी लगा के आना पड़ेगा। तालाब? ये भाई यहाँ पे तालाब कहाँ मिलेगा? क्या वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन डुबकी लगाना जरूरी है। अरे बाप रे। छोटे बड़े जैसे बोल रही है वैसा कर। हाँ चल तालाब ढूंढ। चल ढूंढ तालाब, अच्छे से धो जरा। कितना गंदा, बहुत गंदा है तालाब यार। आप क्या होगा? क्या होगा? 11 नंबर से। 11 नंबर? नहीं समझा ना? नहीं। तेरा मेरा पैर। हाँ चल। हे भगवान। अरे बाप रे, थक गए। क्या हुआ छोटे? मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ा बैठ लूं। हाँ अरे बाप रे। अरे क्या हुआ, बैठ क्यों गया? चल भाई ऐसे ही लेट हो गई है, थोड़ा आगे चलेंगे तो बस मिल जाएगी। इम्पॉसिबल, मैं पैदल नहीं जा सकता। तो फिर मैं गोदी में उठा लूं? हाँ तेरी गोदी में। अरे तो क्या अरे, हुआ तू मेरा छोटा बच्चा है रे, आ जा। लेकिन सुन, सुन तो क्या कर रहा है तू? चल 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 चल, क्या हो रहा है? सो जा मेरे लाल, सो जा बाप रे। मेरी कमर टूट गई। क्यों रे, क्यों रे, क्यों फेंका मुझे? मैं थक गया हूँ भाई, अब तू मुझे उठा ले। हा? मैं छोटा बाबू बन जाता हूँ। मुझसे नहीं होगा, चला जा, मुझसे नहीं होगा ये। विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल। सुमी मुझे लगता है अजय और विजय हमसे सचमुच प्यार करते हैं। प्यार माय फुट, ऐसे मजनू बहुत देखे हैं। सुन वो लोग अमीर हैं और अमीर लोग हमेशा गरीबों की भावनाओं से खेलते हैं। उन्हें सिर्फ अमीरी अच्छी लगती है, हम जैसे गरीब लोग नहीं। हम गरीब हैं इस बात को उसे पता ही नहीं है। ये बात तो सही है। अच्छा उनकी नजर में हम अमीर बन के रहे तो कैसा होगा? वो कैसे? हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका? हाँ अमीर समझकर अगर वो हमसे शादी करते हैं फिर तुझे और मुझे कोई तकलीफ ही नहीं। अमीर घर की बहू बनकर सारी जिंदगी सुख से रहेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन तू इतना बड़ा झूठ बोलेगी? और अगर 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 उनको सब कुछ पता चल गया तो फिर? नहीं नहीं दीदी को सब पता चल गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। नहीं नहीं सोनी, ये सब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो रुक, तो तुझे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, मुझ पे छोड़ दे।
मैं जैसा जैसा कहूंगी तू बस करती रहना। क्या बोलूं मैं उनसे? पता नहीं, तू ही कुछ सोच के बताना। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? वो कह रही थी कि हमें माफ कर दीजिए। माफ? हाँ। तुम जैसी लड़कियों को कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज। दगाबाज। दगाबाज। तुम लड़की नहीं डायन हो। नहीं तो जंगल में इस तरह मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। हमें बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। प्यार चाहिए? हाँ, थोड़ा सा प्यार चाहिए। ठीक है, वो जो तालाब देख रही हो ना, उसमें जाके मुंह धोके आओ। जाओ छोटे, अभी तू बोल बाकी का। उसके बाद हमारा प्यार तुम्हें मिलेगा। जाओ अभी। मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ओ दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ओ ऐसे में मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। मत रहो ना, रहो ना, दूर मत रहो ना। आओ ना पास सताओ तुम ना, और दिल तुम जलाओ ना। तेरी बिना कोई नहीं है दुनिया में मेरे कहिया। लव लव माय लव, लव लव माय लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या सकती है। लव लव माय लव, लव लव। ऐसे में मैंने तुझको दिल दे दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। चाहा है तुझे मैंने, चाहा है, चाहा है तुझे मैंने, चाहा है। सपने जो मैंने देखे सच हो गए सारे, दोनों जहां मुझे मिला तुझे पाके। चाहा है तुझे मैंने, चाहा है, चाहा है तुझे मैंने, चाहा है। सपने जो मैंने देखे सच हो गए सारे, दोनों जहां मुझे मिला तुझे पाके। प्यार सिर्फ तुझसे करता हूँ, हद से गुजर जाऊँ ना। लव लव माय लव, लव लव माय लव। दिल की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया है। लव लव की बातें लब पे कभी क्या आ सकती है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया है। लव लव माय लव, लव लव माय लव। ऐसे में मैंने तुझको ही दिल दिया।
सुमी, तुम लोगों से मिलने आई है। दीदी, दीदी, बहुत दिन हुए तुम लोगों को देखे हुए। तुमसे मिलने के लिए मन बहुत दिनों से बेचैन हो रहा था, तभी आ गई। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ दीदी, कुछ दिनों से पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई मैं। हम बहुत अच्छे से हैं दीदी। भगवान तुम लोगों का हमेशा ख्याल रखे। तुम लोगों के पसंद की पूरी और सब्जी और खीर बना के लाई हूँ। आज मैं अपने हाथों से तुम लोगों को खिलाऊंगी। नहीं नहीं दीदी, हम खुद ही खा लेंगे। तुम अब जाओ। दीदी, एग्जाम है ना मेरी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत टेंशन है पढ़ाई का। तुम लोगों का एग्जाम है? तो फिर मैं चलती हूँ। मन लगा कर पढ़ाई लिखाई करके इंसान बनो, यही तो मेरी इच्छा है। तुमसे वादा करती हूँ दीदी, हम दोनों बहन तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। तुम अब जाओ। ठीक है, हाँ मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। सब्जी थोड़ी गरम करके खाना तुम। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओ हाँ सुनो, देर रात तक जाकर पढ़ाई मत करना, तबीयत खराब हो सकती है। अच्छा बाबा अच्छा, हम लोग रात को नहीं जागेंगे। और सुनो, तुम लोगों को जब जो चीज जरूरत होगी मुझे बताना, कोई संकोच मत करना। नहीं 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 करेंगे, तुम जाओ ना दीदी। तुम लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है रे, तुम दोनों मेरे दो नैनों के तारे हो। अच्छा मैं चलती हूँ। नहीं रहने दो, तुम लोग नाराज हो जाओगे। सुनो, तुम लोग अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। दीदी दोबारा आना। अरे उस दिन क्या मजा आया बाप। हाय, मैं स्वीडर्ट, कैसी हो? कुलजीत, हाथ छोड़ो कहती हूँ। अगर हमने किसी का हाथ एक बार पकड़ लिया तो कुलजीत कभी छोड़ता नहीं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है शैतान? छोड़ो मुझे, छोड़ो लुच्चे लफंगे। तेरा इतना हिम्मत कि सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया, आज तेरा हुस्न का गुरूर सब तोड़ डालूंगा। आजा मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुक जा, छोड़ो। एक लड़की को अकेला पाके मर्दांगी दिखाते है, फिर तो तुम्हारी नहीं औरत है। इसे छूने से पहले ये ले, ये साड़ी पहन। जय, तुम अगर मेरे हाथ से मार नहीं खाना चाहते हो तो तू यहाँ से जल्दी से गलती मार ले। अगर तू मेरे हाथ से पिटना नहीं चाहता तो ले ये साड़ी पहन ले। बिल्ली हो के शेर के सामने बात कर रहा है? अगर अपनी खैरियत चाहती है तो ये पहन ले। साला, चल। पहन ले चल पहन।
छोटे चल सुधीरो तुम लोग चलो 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 चलो। इतनी सुंदर गोरी है, थोड़ा घूमटा निकाल दे। जिसके लिए तूने मुझे आज साड़ी पहनाई ना, मुझे आज उसका अगर मैं सब कुछ खत्म नहीं कर दूं ना, तो हमारा नाम सुरक्षित नहीं। ठीक है ठीक है ठीक। अमित, मैं कह रहा था कि छोटा छोटा काम करते करते तू कुछ आलसी जैसा हो गया है। तेरे लिए एक बड़ा काम लेकर आया हूँ। कौन सा काम? कॉलेज के हॉस्टल से एक लड़की को किडनैप करना है। क्या किडनैपिंग? क्यों, तू जो काम करता उससे बहुत ही बड़ा काम है। ये साहब, मुझे उस लड़की को उठाने के लिए 10,000 रुपए एडवांस दिए हैं, और दो लड़कों का अगर हाथ पैर तोड़ेगा तो और भी पैसा मिल सकता है। देखो उस्ताद, वो सब चोरी वगैरह ठीक है, लेकिन लड़की का किडनैपिंग, ये सब फालतू काम मैं नहीं करता। अमीर, ये क्या बोल रहा है तू? मैंने इससे पैसा एडवांस ले लिया है और ये काम हो जाएगा, मैंने इससे प्रॉमिस किया। आप मेरी बात समझने की कोशिश। अमित, अमित, बचपन से मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, कुछ लायक बनाया है। अगर तूने मना कर दिया तो मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा अमित। और तू ये चाहता है क्या? देखो उस्ताद, अमित, अमित तू ये काम कर दे, प्यारे बच्चे कर दे। ठीक है, आपकी खातिर मैं ये काम करता हूँ, लेकिन आगे कभी ऐसे वाहियात काम मुझे मत बताना। लड़की और लड़के का फोटो? ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लड़के को अस्पताल पहुंचा दूंगा और लड़की को यहां पर लाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम एकदम टेंशन मत लो। कौन हो? कहां लेके जा रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? छोड़ो। ए, उस लड़के को अस्पताल पहुंचा दो। जाओ बचाओ। सोने, छोड़ दो, मुझे क्यों लाए हो यहाँ, छोड़ दो। ये लड़की कौन है, क्यों उठा के लेके आए उसे? तो उस्ताद का हुक्म था, इसलिए लेकर आया। क्या, बापू ने कहा था ऐसा? मैं तुझसे कहती हूँ उसे छोड़ दे, छोड़ दे इसे, छोड़ ना। प्रिया, हर बात में बीच में मत पड़। गलत बात करेगा तो बीच में पड़ना ही पड़ेगा। छोड़ उसे, मैं कहती हूँ छोड़ उसे। तू इतना गिर सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। अब तूने लड़कियों पर जोर आजमाना शुरू कर दिया। प्रिया। प्रिया, तुमने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया है। जाकर अपने बाप से पूछो कि इसे क्यों उठा के लाए। जाकर पूछ ले अपने बाप से। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चलो, छोड़ दो, छोड़ दो, चलो, छोड़ो मुझे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। अजय, अजय, क्या हुआ? अरे, विजय नर्सिंग होम में एडमिट है। क्या बोला? विजय नर्सिंग होम में? हाँ, क्या हुआ? किसी ने विजय को बहुत मारा है। ठीक है, तो घर पे जाके पिताजी को खबर कर, अभी नर्सिंग होम आने के लिए बोले। चल जा। डरिए नहीं, थोड़ा सा ही खून बहा है, आज ही आप इनको घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। छोटे, क्या हुआ तुझे? अरे, बहुत मुश्किल होगी, एक आदमी मुझे मार के सोनी को लेके गया। सोनी को लेके गया? तुम मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दो, चुप मत रहो, क्यों लेके आए हो बताओ। मेरे उस्ताद का हुक्म था, तुम्हें पकड़ने के लिए उस्ताद को 10,000 मिले हैं। 10,000 रुपए के लिए तुम मुझे पकड़ लाए? हाँ। तुम्हारी भी कोई बहन होगी? 10,000 रुपए के लिए अगर कोई बदमाश तुम्हारी बहन को उठा ले जाए तो तब तुम क्या करते? मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता। भैया, मैं भी तुम्हारी बहन की तरह हूँ, चंद रुपए के लिए एक शैतान के हाथों में मुझे यूं सौंप देना आपको गलत नहीं लग रहा? तुम ये बात याद रखना,
अगर मुझे आज कुछ हो जाता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसके जिम्मेदार होगी तुम। क्या बात कर रही हो तुम? ठीक ही कह रही हो। और ये भी जान लो, अगर तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो वो भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। सारी जिंदगी वो तुम्हें नफरत करेगी। क्या तुम्हें कभी बर्दाश्त कर सकोगे? भैया, मैं तो तुम्हारी बहन ही हूँ। तुम्हारी बहन तुमसे अनुरोध करती है, मुझे यहाँ से जाने दो, जाने दो यहाँ से। आइए सर, आइए आइए। ये रही आपकी चिड़िया। मुझे? तुमने मुझे? हाँ, मैं। तेरी वजह से मेरा मान सम्मान धूल मिट्टी में मिल गए। आज उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ। गुंडों से उठवा कर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम तो कायर हो। कहाँ गया तेरा वो हीरो? उनको बोल यहाँ आके बचाए। सर, इस लड़की को अभी बर्बाद कर दीजिए। डरो नहीं, मैं हूँ ना। अरे, इन बड़ों के बीच में हमें नहीं आना चाहिए। चलो बाहर चलो। मत जाओ भैया, मत जाओ, मुझे ले चलो। अरे भैया भैया, छोड़ो, हटो, चलो भैया भैया, चलो, आ जाओ आ जाओ। भैया, छोड़ो, बचाओ। आज नहीं छोड़ूंगा। यूरे, छोड़ो छोड़ो। छोटे से काम से तू डर रहा है क्या? अभी तो तेरे को बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मैंने सब कुछ सोच के रखा है। भैया, अमित, अमित कहाँ जा रहा है तू? मुझे छोड़ दीजिए। अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वहाँ बच जा। उस्ताद, मुझे छोड़ दीजिए। मैं जो तुझे बोल रहा हूँ ना, उसको तुझे मानना पड़ेगा। आप मुझे छोड़ दो उस्ताद, आज मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अगर कोई बीच में आया तो उसका खून हो जाएगा। क्या कहा? तू मेरा खून करेगा क्या? हाँ, जरूरत पड़े तो करूंगा। ये मत भूलिए कि आपने बचपन से मुझे चोर, डाकू और खूनी की तरह पाला है। तो आज मेरे हाथों से खून हो जाएगा, तो आप मुझे छोड़ दो उस्ताद। चलो आओ, आओ मेरे साथ। अमित, अमित, खबरदार, तू इसको लेकर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तू। नहीं उस्ताद, आज इसने मुझे भैया कहा है। वो मेरे छोटे बहन जैसी है। मैं उसे वापस भेज कर आ रहा हूं। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अमित, चलिए भैया। टूटू, मोना, इसको जाने नहीं देना। बापू, आप उनको जाने दो, उनको बिल्कुल मत रोकना। प्रिया, प्रिया, मेरे काम के बीच में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ए, तुम लोग अमित का हाथ पैर बांध करके वहाँ छोड़ दो और लड़की को घर में बंद कर दो, जाओ। खबरदार, अमित और उस लड़की को अगर किसी ने रोका तो तुम्हारी उस्ताद का इधर खून हो जाएगा। प्रिया, ये क्या कर रही है? मैं तेरा बाप, बेटी होके तू बाप को छुरी दिखा रही है? मुझे जरा सी भी तैयार। बाबू, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ ना। अगर मुझे कोई उठा ले गया तो, मेरी इज्जत लूटने की किसी ने कोशिश की तो क्या आप चुपचाप बैठे रहते? बोलो बाबू, बोलो। आप क्या बोलेंगे? अमित, मैं तुझसे कहती हूँ, उसे लेके जा यहाँ से, लेके जा यहाँ से उसे। इतना बड़ा पंख निकला मुझे पता ही नहीं था। इस पंख को मैं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। अब सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि सोनी कहाँ है। तुम कोई चिंता मत करो, कल सुबह मैं कुलजीत को पकड़ता हूँ, सब मालूम पड़ जाएगा। विजय, सोनी, शैतान, विजय ना, उसे माफ कर दो, उसकी कोई गलती नहीं है।
असल में कुलजीत ने उसके उस्ताद को पैसे देकर कहा था तुम्हें मारकर मुझे उठा के ले जाए, तभी उसने ऐसा किया। ये बात सच है कि उसने मुझे उठाया है, मगर उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। कुलजीत के हाथ से उसी ने मुझे बचाया है। मैंने अमित नाम के पालतू जानवर को पाला था जो भाग गया है। कुछ भी करके उसको यहाँ लाओ, वो भी जिंदा। सुन, कहीं से भी हो कैसे भी हो, अमित के हाथ पैर काट के टुकड़े टुकड़े करके, लेकिन खबरदार, उसकी जान नहीं जानी चाहिए। उसकी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा। बाबू, आप अमित को मारने के लिए इनको हुक्म कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मुझे आज ही अमित चाहिए। क्या हुआ? तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, उसको कैसे भी ढूंढ कर लाओ। रुक जाइए, रुक जाइए। आप लोग सुन लीजिए, अगर अमित को एक खरोच भी आई तो फिर मैं आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे आप? प्रिया, प्रिया, मेरे धंधे में ज्यादा दया दिखाने की जरूरत नहीं है बेटी। और फिर अमित, तेरा क्या लगता है? आपको जो बात अब तक पता नहीं थी वो बात आज सुन ही लीजिए। अमित ही मेरा सब कुछ है। अमित को मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। प्रिया, वो है मेरा जीवन, मेरा सपना। अमित को तू सच में प्यार करती है बेटा? हाँ बाबू, मेरा प्यार गंगा से भी पवित्र है, चांद की तरह निर्मल है। हमारे प्यार में कुछ भी झूठ नहीं है, इसलिए अमित को बचाने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगी। अगर अमित नहीं रहा तो फिर मैं भी अपने आप को खत्म कर दूंगी। प्रिया। हाँ बापू, और ये बात आप हमेशा याद रखना। बाय। मैं जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन किसी और के लिए मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता। ए, तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो, जाओ अमित को ढूंढो। अमित के ऊपर कोई हाथ भी नहीं उठाएगा। लेकिन भाई, इस तरह अपना काम, जो बोलना था बोल दिया। गगन पे पंछी उड़े, उड़ उड़ उड़ता जाए, दिल ने उसे बांधा पिंजड़े में, दिल ने उसे बांधा पिंजड़े में, पिंजरे में पंछी मीठी सी बोले, कुह कुह करे, उसी नाम से पास आना चाहे। नील गगन पे पंछी उड़े, उड़ उड़ उड़ता जाए। से रंगा है आसमां, पंछी देखो पिंजरे से जाना चाहे ना। हाँ, कौन से पेड़ में फूल खिला है, खिला मीठा फल, हाथ बढ़ाते ही मिलेगा तुझे, चल मेरे संग चल। तुझे मैंने दे दिया है दिल मेरा, जाने जा और न तड़पा। नील कगन पे पंछी उड़े, बिठाया धड़कन में मेरी
के पा लिया है मैंने दो जहां। दिन गुजरते ही जन्म आएगी काली रात, छोड़ेंगे ना हम तो कभी एक दूजे का साथ। पलकों पे तुझको सजाया रही न जाने जब हमेशा। नील ककन पे पंछी उड़े उड़ उड़ उड़ता जाए, दिल ने है उसे बांधा पिंजरे में, दिल ने है उसे बांधा पिंजरे में, पिंजरे में पंछी मिल से बोले कुकु करे, नाम से बुलाए पास न जागे। नील ककन पे पंछी उड़े उड़ उड़ उड़ता जाए। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है। मेरा नाम सुमी। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? हमारे पिताजी अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका? हाँ अमेरिका। हमारा वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस है। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली वो क्या है ना कि हम सोचते हैं कि यहाँ रह के हमारी संस्कृति हमारी भाषा सीखे, हम अपने देश को अच्छी तरह से जानना पहचानना समझना चाहते हैं एक्चुअली, और हमारे इस फैसले से हमारे माता पिता भी बहुत खुश हैं, अब इसलिए हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं। तो तुम लोग यहाँ रहती कहाँ हो? हम अब हॉस्टल में रहते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार? यहाँ भी कोई नहीं है। ये सब सुन के अच्छा लगा। आजकल तो सोच भी नहीं सकते अमेरिका में माँ बाप रहते हुए भी तुम लोग पढ़ाई करने के लिए यहाँ रहते हो। इसके अलावा तुम्हारा देश प्रेम को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड, वेरी गुड। तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। बड़े क्या किया? अरे रुक रुक जरा शांति रख, बैठ शांति से। तुम्ही इधर आओ। अरे बाबा इधर आके बैठो ना मेरे बाजू में। हाँ छोटे तू ये सोनी के बाजू में बैठ जा। मतलब जा जा बैठ जा। अब तुम दोनों अपने दिल की बात करो और हम दोनों अपने दिल की बात करते। अरे सुन धीरे धीरे तुम्हें उधर चलो ना। तुम भी ना बदमाश हो। पता है इस महीने की 9 तारीख मेरे लाइफ का बहुत स्पेशल दिन है। बोलो ना क्या है, बोलो बोलो। इस महीने की 9 तारीख को मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, उस दिन मेरा बर्थडे। और सुनो उस दिन तुम आओगे और शुमी को भी साथ ले आओगे। तुम्हारा जन्मदिन है। ए, तुम आओगे ना? जरूर आऊंगी और उस दिन सबसे महंगा प्रेजेंटेशन मैं लेके आऊंगी। तुम्हारी हंसी ही मेरे लिए सबसे कीमती प्रेजेंटेशन है। क्या बात कर रही हूँ? से वादा किया था तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाऊंगी, समाज में सर उठा कर कहूंगी कि मेरी दोनों बहनें पढ़ लिख कर कितना आगे बढ़ गए और इसीलिए तो इतनी मेहनत करती हूँ। तुम लोग कुछ मत सोचो, मैं कुछ भी करके तुम लोगों के लिए पैसों का इंतजाम जरूर करूंगी। हमें पता है दीदी, तुम जैसे भी हो कितनी भी तकलीफ हो ठीक पैसों का जुगाड़ कर लोगी हमारे लिए। साहब मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेहरबानी करके मुझे 5,000 रुपए दे सकते हैं? तुम्हें 5,000 की जरूरत है? हाँ साहब, पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं बहुत तकलीफ में पड़ जाऊंगी। आप हर महीने मेरे सैलरी से काट लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे कुछ पैसा मांगा, सिर्फ 5,000 रुपए। अगर तुम मुझसे 5,00,000 भी मांगी होती तो भी मैं तुम्हें दे देता। हाँ? क्योंकि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे बेटों के लिए जो कुछ भी किया
अपनी संतान के लिए माँ बाप ही कर सकते हैं। तुम उनकी माँ। बोलो पैसा कब चाहिए तुम्हें? आज ही मिल जाए तो अच्छा होगा। हाँ मिस्टर सोम, अभी मुझे 5,000 रुपया भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। दीदी अगर नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगी। बेकार की बातें मत कर, विजय का बर्थडे है और तू नहीं जाएगी तो मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कैसे जाऊं? मैंने उससे वादा किया था कि सबसे कीमती प्रेजेंटेशन लेके जाऊंगी, कैसे जाऊं? दीदी 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 आप आ गई, बैठो ना। बैठो ना? नहीं रे, अब नहीं बैठ पाऊंगी, बहुत काम छोड़ आई हूँ। दीदी पैसे लाई हो? हाँ लाई हूँ, ये लो दो। पूरे 5,000 हैं। सच में दीदी तुम हमारी माँ हो, तुम नहीं होती तो हम एग्जाम ही नहीं दे पाते। फिर मैं फिर चलती हूँ। अपना ख्याल रखना दीदी। क्यों रे सोनी, ये औरत हमेशा तुम दोनों से मिलने के लिए आती है, कौन है तुम्हारी वो? वो दरअसल ये हमारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? मुझे तो लगा तुम लोगों की कोई रिश्तेदार है। फिल्म देखने चलोगी तुम दोनों? आती हूँ, तुम चलो हम आते हैं। अच्छा जल्दी से आना। हाँ तूने दीदी को नौकर कहा? हाँ मैंने कहा। अभी से अगर हम खुद को अमीर न समझे, अजय विजय हमें भाव ही नहीं देंगे। और दीदी दूसरों के घर में काम करती है, ये बात विजय को पता चले तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? इसीलिए आज से हम दीदी का नौकरानी का ही परिचय देंगे। माँ माँ तुम तो जानती हो दोनों बहनों के लिए मैं कितनी तकलीफ सह रही हूँ। तुम उनको अच्छे इंसान की तरह परवरिश दो, मेरे भाई और पिताजी से एक बार मुलाकात करवा दो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी माँ, कुछ नहीं मांगूंगी। बड़े भाई, दीदी के जरिए पापा को बताना बहुत जरूरी है। लेकिन पिताजी राजी नहीं हुए तो? दीदी बोलेंगे तो पापा राजी हो जाएंगे। वो देख दीदी आ गई। क्या हुआ? इतने बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया। ना बहुत अर्जेंट बात करनी, बैठिए ना यहाँ पे। पहले पहले बैठो, जरूरी काम है, सुनिए। दीदी हम दोनों का ना, ए बड़े तू ही बोलना। तू ही बोल, कुछ नहीं होगा, बोल बोल दू। मतलब बोल ही देता हूँ। हम दोनों का ना दो लड़की के साथ प्यार हो गया। प्यार करते हो? हाँ समझ गई, कॉलेज में पिताजी भी मिल चुके। पता है दीदी, वो दोनों बहुत अमीर घर की लड़की है, उसके पेरेंट्स ना यूएस में रहते हैं। उनका वहाँ ना बहुत बड़ा बिजनेस है। तो मुझे क्या करना होगा बताओ? छोटे बोलना। बोल दू? हाँ मैं क्या बोलता हूँ दीदी, तुम ना पिताजी को थोड़ा मैनेज कर लो ना प्लीज। हाँ कर दो ना दीदी। मेरी बात क्या वो सुनेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, तुम्हारी तो सब बातें वो मानते हैं। दीदी प्लीज। ठीक है,
मैं तुम लोगों की बात साफ से कह दूंगी। ये फीचर फॉर दीदी हिप हुर्रे। सके दूर मत जा ओ मेरी जान जा, तेरा मेरा मिलना जन्म, तेरा मेरा मिलना जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म। सके दूर मत साथम जनम जनम। तूने प्यार में बन लिया मुझे, तेरे बिन गुजरते नहीं दिन और रातें, तेरा मेरा मिलना जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म। पास आके दूर मत जा ओ मेरी जान जा, तेरा मेरा मिलना सनम, तेरा मेरा मिलना जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म। बुला ले मुझे, गले से लगा ले मुझे, आंखों में बसा ले मुझे, सांसों में छुपा ले, प्यार से बुलाओ तुझे, गले से लगाओ तुझे, आंखों में बसाओ तुझे, पलकों पे बिठा के, तेरा मेरा मिलना जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म। पास आके दूर मत जा ओ मेरी जान जा, तेरा मेरा मिलना जन्म, तेरा मेरा मिलना जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म, रहेंगे साथ हम जन्म जन्म। हाँ लाओ। साहब, आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या बोलना है बोलो। अजय विजय कह रहे थे वो जरूर तुम्हें दो लड़कियों के बारे में पता है ना? आपको कोई एतराज ना हो। शादी करना चाहते हैं? हाँ। उनके बारे में तुमसे कहने वाला था मैं, दोनों ही लड़कियां मुझे पसंद है। 2 दिन बाद विजय का जन्मदिन है, सोच रहा था उसी दिन शादी का अनाउंसमेंट कर दूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें उन दोनों से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। हाँ अजय विजय, अजय चल। क्या पापा? सुनो,
कल सुबह उन दोनों को यहाँ बुला लो। ठीक है पिताजी। क्या हुआ बेटी, बैठी क्यों हो, खाओ। बाप रे, इतना खाना हम लोग जस्ट खा के आए हैं। थोड़ा बहुत तो खाओ ना। हाँ, तुम भी खाओ। तुम लोगों की सारी बातें मैंने सुनी हैं, लेकिन इनकी दीदी तुम्हारे साथ बात करेगी और मैं भी तुम्हारे डैडी मम्मी से बात करूंगा। हमने इस सिलसिले में पापा मम्मी को खत लिखा है, पिताजी ने खत का जवाब दिया है और आपको दिखाने को कहा है। वो लेटर लाए हो? हाँ लाई हूँ, ये लीजिए। वो चश्मा पता नहीं पर, हाँ ऊपर रह गया होगा। अजय तू चिट्ठी पढ़ ले। माई डियर डॉटर, तुम दोनों ने अपनी पसंद के लड़कों को चुन लिया है और शादी करने की भी सोच रही हो, सुन के बहुत खुशी हुई। हमारे लिए वहाँ पे आना अभी संभव नहीं है, अगर हो सके तो शादी के बाद तुम दोनों हमारे यहाँ आ जाना। ससुराल वाले हमारे बारे में पूछे तो हमारी ये चिट्ठी उन्हें दिखा देना और बोल देना मेरी और तुम्हारी माँ की इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा अपना ध्यान रखना, तुम दोनों के प्यारे मम्मी और पापा। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल विजय का जन्मदिन है, तुम्हारी शादी का कोई अच्छा डेट मैं तय कर दूंगा। आपको जैसा ठीक लगे। और हाँ, कल से तुम हॉस्टल में ना रहकर शादी होने तक तुम लोग यहाँ ही रह सकते हो। अच्छा, आपको जो ठीक लगे वो। हाँ, लेकिन पापा। हाँ दीदी अभी तक आई नहीं, दीदी तो इनसे मिलने वाली थी और दीदी नहीं देखेगी तो मुझे लगता है दीदी कुछ मुसीबत में है। ऐसा हो सकता है, एक काम करते हैं, चल दीदी से मिल के आते हैं। हाँ, चल। हम दोनों को भी हॉस्टल जाना चाहिए। हम अब चले? ठीक है बेटे, चलो चलो। अब वो ताकत नहीं बची। अजय, विजय को कितना दुख हो रहा होगा, पर क्या करूं? दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम लोग फिर इतने दूर क्यों आ गए? बुखार तो बहुत जोरों का है, डॉक्टर को दिखाया? इसके लिए फिर डॉक्टर को दिखा लूंगी क्या? ऐसे ही ठीक हो जाएगा? आज नहीं जा सके इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। छोटू, जा जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आ। हाँ मैं अभी। जा जल्दी। इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? तुम चुपचाप लेटी रहो। ओ भाई सुनो। हाँ आप यहाँ? हाँ एक काम था यार। अच्छा आसपास कोई डॉक्टर है? डॉक्टर? हाँ जरूर। हाँ चलो, ये दवाई लाकर खिला दीजिए और इनके खून की जांच करवाइए, मैंने सब कुछ लिख दिया है। अगर शाम तक बुखार ना उतरे तो मुझे खबर करिएगा। हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है। बड़े तू थोड़ा बैठ, मैं दवाई लेके आता हूँ। तुम लोग खाली पीली मेरे लिए इतना तकलीफ ले रहे हो। तुम चुपचाप सो जाओ, ज्यादा बात मत करो। आज शाम तक तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। और सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, हमारी शादी के बारे में कल पापा अनाउंस करने वाले हैं। अमित भाई, कल मेरा जन्मदिन है, तुम जरूर आना। जरूर। चल मैं भी तेरे साथ आता हूँ। हाँ चल, दीदी के खून का भी टेस्ट करना है। आप थोड़ा रुकिए, हम लोग अभी आते हैं। पागल है सर। तुम्हें पहचान नहीं सकी भैया। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं एक अभागा हूँ। अपनों को खोने के बाद रास्ते पर भटकते हुए बड़ा हुआ हूँ। पता नहीं मैंने जिनको खोया है वो मुझे जिंदगी में कभी वापस मिलेंगे कि नहीं। अरे आइए 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 आइए, ये ले पकड़, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू मैम, ये भी रखते। हाँ सबको कोल्ड ड्रिंक दो। वेलकम 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 मिस्टर अमित, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। इनको मैंने पहचाना नहीं।
ये है मेरी वो। देखिए ना, मुझे ये जबरदस्ती उठा के लेके आए हैं। इसमें क्या हुआ? आप नहीं आते तो मुझे गुस्सा आता। विजय, भाई की तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा। इतनी सारी चीजें लाने क्या जरूरत थी? आओ बैठ। चलो बैठो बैठो बैठो। तुम लोगों को इतनी देरी कैसे होगी? हम लोग तो टेंशन में आ गए थे। हाँ, हम लोग तो घड़ी घड़ी दरवाजे पे ही देख रहे थे। रहने दो, बस हो गया तुम्हारा मजाक। ये लो, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे इस जन्मदिन के लिए हम दोनों की तरफ से छोटा सा उपहार। थैंक यू वेरी मच। आओ। उन लड़कियों को देखा? उनके साथ ना वो अजय और विजय, उनका ना ये होगा, लफड़ा होगा, धत शादी होगी। दीदी, दीदी आप आ गए। हैप्पी बर्थडे, जुग जुग जियो। दीदी, दीदी अब तुम ठीक हो ना? बहुत अच्छी हो। जिनसे मिलवाने के लिए तुम लोग उतावले हो रहे थे, वो लोग आए हैं? हाँ है ना, चलिए मिलाता हूँ। आइए, हाँ मिलाता हूँ। आइए। ये ड्रेस तुझ पे काफी सूट करती है। किनसे मिलो? ये है हमारी दीदी, जिनके बारे में हम लोग ने तुम्हें बताया था। और दीदी, ये है सुमी और वो सोनी। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, इनके माँ बाप अमेरिका में रहते हैं और ये दोनों हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं। दीदी, दीदी हमारे लिए माँ से भी बढ़कर है। हम इन्हें दीदी तो जरूर कहते हैं, लेकिन ये हमारी माँ है। दीदी हमारे लिए सब कुछ है, उनकी पसंद आखिरी पसंद। दीदी आपको पसंद है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। अगले फ्राइडे को मैं सुमी और सोमी के साथ मेरे दो बेटे अजय और विजय की शादी की डेट फिक्स करता हूँ। छोटे, ये क्या दीदी, आप रो रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? कहा, मैं नहीं रो रही, क्यों रोऊंगी? तुम दोनों मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल हो। प्यार और ममता के साथ मैं तुम दोनों को पाला है। तुम लोग नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए। आशीर्वाद करती हूँ तुम दोनों सुखी रहो, आने वाला दिन तुम लोगों के लिए खुशी भरा हो। दीदी आपने कहा था आपकी दोनों बहनें हॉस्टल में रहती है, एड्रेस दीजिए, हम लोग जाके लेके आते हैं। नहीं, वो दोनों यहाँ आएंगी या आलिशान घर या ऐशो आराम सह नहीं पाएंगी। मुझे कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे, क्यों तुम हमें यू गरीबी की जिंदगी दी हो? क्यों तुम हमें ये आलिशान घर ये ऐशो आराम नहीं दे पाए? क्यों तुम हमें ये अमीरी की जिंदगी नहीं दे पाई? दीदी, दीदी सुनिए ना छोटे, समथिंग रॉन्ग। मुझे क्या लगता है, दीदी की बहनों ने दीदी से बेईमानी की होगी। बड़े, तूने सही कहा, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। सोनी, सुमी, तुम दोनों ने मेरे इतने दिनों की मेहनत, मेरे प्यार का ये फल दिया। तुम लोगों ने जो किया अच्छा ही किया। मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सात दिन बाद तुम लोगों की शादी है, तुम लोगों के साथ खड़ी होकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती, तुम्हारे खुशी के राह में दीवार नहीं बनना चाहती, लेकिन तुम लोगों से मेरा एक सवाल है
और उसी जवाब को पाने के लिए तुम लोगों के पास एक बार जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। शादी का शॉपिंग तो अभी बहुत बाकी है। सुनो, कल लीमा से पूछ के शॉपिंग का एक लिस्ट बना लो। लीमा? हाँ, उनका गवर्नेस। लेकिन सिर्फ गवर्नेस कहने से गलत होगा, वो तो उनकी माँ, माँ जैसा प्यार ममता से उन लोगों को बड़ा किया, इसीलिए इस घर में सब मैटर में उनका डिसीजन ही फाइनल है। सोनी, सुमी, सोनी, किससे मिलना है? ओ, आप। सोनी सुमी कहाँ है? सोनी सुमी के बारे में जानना है, वो तो हॉस्टल छोड़ के चली गई। चली गई है कहाँ? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप उन्हें नाम लेके क्यों पुकार रही हो? आप तो उनकी नौकरानी हो। मैं नौकरानी। किसने कहा तुमसे ये बात? सोनी ने कहा कि आप उनकी नौकरानी हैं, और नौकरानी होके मालकिन को उसके नाम से पुकारती हो, बदतमीज। मेरी बेटी जब तक जिंदा रहेगी तब तक बहन माँ की तरह सोनी को माँ की तरह प्यार देकर उन्हें बड़ा करना। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे सुख के लिए उन्हें तकलीफ ना हो। और कभी लोग कोई भूल करते हैं, अन्याय करते हैं, माँ की जैसे उन्हें माफ कर देना। पिताजी, तुम्हीं ने मुझसे कहा था उनको मैं माँ की ममता दूँ, माँ जैसा प्यार दूँ। आज तक मैंने उन्हें अपनी बेटियां ही समझा है, बच्चों की तरह उन्हें पाला है। मगर पिताजी, वो लोग मुझे माँ नहीं समझती, माँ की तरह नहीं मानती। मैं तो उनकी माँ बनना चाहती थी, मगर मैं बन गई नौकरानी। साहब, क्या हुआ? बोलो। मैं आज अपने काम से इस्तीफा देने आई हूँ। क्या बात कर रही हो दीदी? इस्तीफा? काम से इस्तीफा? इसका मतलब इतने साल से आप हमारे घर में काम करते थे इसलिए यहाँ थे? नहीं, इसका मतलब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुन रहे। हम लोगों ने आपको नौकरानी की तरह नहीं समझा। हम लोग जिंदगी भर आपको माँ ही समझे। माँ, और तुम माँ के हमारे इतने बड़े खुशी के दिन में हमें छोड़ के जा रही हो? सुन रहा है बड़े, माँ की बात सुन रहा है? हाँ सुन रहा हूँ। कोई अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहता है तो उसे रोक नहीं सकते। माँ अगर संतान को छोड़ के चली जाना चाहती है तो जाए, हम नहीं रोकेंगे। पिताजी, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। शादी नहीं होगी? नहीं होगा। आज इस खुशी के अवसर पर हमारी माँ हमें छोड़ के चली जा रही है तो हम क्या करेंगे ऐसी खुशी लेकर? नहीं चाहिए खुशी। अजय, विजय, मुझे तुम लोग गलत मत समझो। अजय, मैं इतने दिनों से दो बहनों की जिम्मेदारी निभा रही थी, वो जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है, इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए। सिर्फ मुझे मुक्ति चाहिए। माँ की जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब बच्चे उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और इसलिए आज से आपकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे इन दोनों बच्चों पे। आज से हम जो बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, वही सुनोगी। हाँ। और आज से आप हमारे इस घर में ही रहोगी। हाँ। यही रहूंगी। हाँ, यही रहोगी। ये हमारा आखिरी फैसला है। आपके दोनों बेटे की बहू आ रही है तो उन्हें कामकाज सिखाना आपका कोई फर्ज नहीं बनता, वो भी तो आपकी बेटी की तरह ही है। सगा खून कभी कभी रिश्ते को मानने से इनकार करता है। पता है, अजय और विजय के साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो लोग मुझे माँ की तरह प्यार करते हैं, नौकरानी बिल्कुल नहीं समझते।
सबसे बड़ी बात क्या है पता है? मैं अगर कहूं कि तुम लोगों को मैं पसंद नहीं करती तो फिर वो लोग तुम लोगों से शादी नहीं करेंगे। डरो मत, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम सबको बच्चों की तरह मानती हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं माँ होकर बच्चों का नुकसान कभी चाहूंगी। मैं सिर्फ जीत और मेहनत करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ और मेहनत करते करते एक दिन मर भी जाऊंगी। मर जाऊंगी मैं। दीदी, दीदी आज क्यों ऐसे बात कर रही हो? दीदी एक बात बोलो, तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे साथ बेईमानी तो नहीं की? चुप मत रहो दीदी, बोलो। नहीं नहीं, वो लोग ऐसी लड़कियां नहीं है, उन जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है दीदी, और नहीं रोते, चलो हम लोग जाके लिस्ट बना लेते हैं। चलो चलो। दीदी, ए दीदी, दीदी इधर आओ। क्या हुआ? ये लो, कल तुम ये साड़ी पहनना। हाँ पहननी पड़ेगी, अलमारी में मत रख देना। लो पकड़ो। फिर मेरे लिए साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। कहाँ है सब अच्छी अच्छी साड़ी? बहनों को जाके देके आई। दीदी कल आपके अजय विजय की शादी है, आप बहुत खुश हो ना? खुश नहीं हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ। जीवन के दो पहलू हैं, हंसना रोना। रोना ना तू सुना बहा, जीवन के दो पहलू हैं, हंसना। पिताजी। हाँ बेटा। याद से जर्मनी पहुंच के एक फोन कर दूंगा, हमें आपकी बहुत चिंता रही। अरे हाँ हाँ जरूर करूंगा, अच्छी तरह रहना। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ सुनो तुम लोग, टेक केयर। अच्छा पिताजी, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा, टेक केयर। क्या हुआ, बैठे क्यों हो? खाना शुरू करो। दीदी आज आप भी हमारे साथ बैठ के खाइए। आज तुम्हें हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। हट बेवकूफ लड़का, बहुओं के साथ एक ही टेबल पर बैठकर क्या मैं खा सकती हूँ? क्या हुआ उसमें? ये लोग तो अभी बच्चे हैं, माता पिता अमेरिका में रहते हैं, अमीर घर के बच्चे हैं ये। मैं गरीब नौकरानी की तरह हूँ। नहीं नहीं तुम लोग खाओ। छोटे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सही कहा तुमने, दीदी अचानक कैसे बदल गई, पहले जैसी रही नहीं। ऐसा लगता है कोई एक ऐसी बात है जिसकी वजह से दीदी घुट घुट के जी रही है। बड़े मुझे लगता है दीदी के बहनों ने दीदी के साथ बेईमानी की है, नहीं तो उस दिन बहनों की बात आती दीदी क्या बोली थी याद है? मेरा आर्य अगर सही निकले तो, और अगर उनकी बहन के लिए उनका नुकसान हुआ तो फिर देख लेना छोटे, वो दोनों बहनों को मैं अपने हाथ से ही गोली मार दूंगा। और मैं उन दोनों को गला दबा के मार दूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती दीदी। विजय। हाँ दीदी। दीदी चलो ना, कल सब मिलके घूम के आते। तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप नहीं आओगे तो हम लोग भी कहीं नहीं जाने वाले। सोनी क्या हुआ, तुम गहने क्यों निकाल रही हो?
ये सब पहनकर मैं सो नहीं सकती। अमीर घर की बेटी है ना, गहनों से लद कर सोने की आदत नहीं होगी। तुम दूध पी लो। अच्छा। अजी, अजी सुन रहे हो? क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही? मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्या हुआ? मुझे मेरे गहने नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे मतलब? तुमने ही तो कल रात देखा था ना, मैंने गहने ड्रेसिंग टेबल पे रखे थे। आज सुबह उठ के देखती हूँ नहीं है। याद करके देखो, कहीं और होगा। नहीं, और कहीं नहीं रखी। फिर कहाँ जाएगा? मुझे लगता है चोरी हो गए हैं। चोरी हो गए? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गहने चोरी हो गए हैं? चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आता हूँ। 10 साल से इस घर में काम कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तुम? सर भगवान कसम मैंने नहीं लिया। सीधे सीधे बताओ, वरना थाने में ले जाके धुनाई करूंगा। ए, तूने लिए क्या? विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर गहने कहाँ गए? हवा में उड़ गए? सच सच बोलो, किसने लिए? सर मैं कहती हूँ, अगर आपको सही में जानना है कि गहने कहाँ हैं, तो आप घर की तलाशी ले सकते हैं। मुझे लगता है गहने घर से बाहर नहीं गए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन सब के कमरों की तलाशी ले लो। ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। तलाशी के बाद भी कुछ भी नहीं मिल पाया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है किसी बाहर के आदमी ने ही ये काम किया। आपका परिचय? वो यही रहती है, हमारे माँ जैसी है, बचपन से हमें इन्होंने ही पाला है। ये अगर इसी घर में रहती है तो उनके घर की भी तलाशी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, दीदी के कमरे की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। बात जब निकली है तो मेरे कमरे की भी तलाशी ली जाए। अगर ये कह रहे हैं तो कर लीजिए। हाँ सही में, चलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी ले लीजिए। ये गहने क्या आपके हैं? हाँ। ये गहने आपके कमरे में कैसे आए? बोलिए, चुप मत रहिए, जवाब दीजिए। ये गहने अगर मेरे कमरे से बरामद हुए हैं, फिर मैंने ही चोरी की होगी। तुमने चोरी की है? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? तुम हमारे घर में रहती हो, हमारा खाती हो और हमारे घर में चोरी करती हो? वो लोग तुम्हें माँ की तरह मानते हैं, दोनों भाई तुम्हें सर पे चढ़ा के रखते हैं। अगर तुम अगर कहती कि इससे कीमती अलंकार चाहिए तो तुम्हें लाके देते। चुप मत रहो, जवाब दो। क्यों चोरी की है तुमने? बोलो, जवाब दो। तुम जैसे लड़के से बात करने में मुझे घिन आती है। जितनी बड़ी जबान ही उतनी बड़ी बातें। नौकरानी होकर तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अरेस्ट कीजिए। मुझे अरेस्ट कीजिए, गरीब नौकरानी हूँ, इतने महंगे गहनों की लालच संभाल नहीं पाई।
इसलिए मैंने चोरी की है। मैं चोर हूँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ, मुझे अरेस्ट कीजिए। मुझे नहीं, इंस्पेक्टर साहब, इनको अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन गहने तो इनके रूम से मिले। मिलने दो, लेकिन दीदी के खिलाफ हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। आप अभी यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं दीदी, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। नहीं दीदी, नहीं, मैं चोर हूँ। नहीं दीदी, नहीं दीदी, नहीं अरेस्ट कर लीजिए। दीदी आप चुप हो जाइए। दीदी मुझे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे अरेस्ट कीजिए। दीदी 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर साहब मैंने चोरी की है, मुझे अरेस्ट कीजिए। मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे ले चलिए। आई एम सॉरी, मुझे ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। नहीं नहीं, यहाँ और एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ रहूंगी तो मैं उन्हें भूल नहीं पाऊंगी। और अगर उन्हें भूल न सकी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, तुमसे किए वादे को पूरा करने के लिए बहुत तकलीफों से गुजरते हुए मैं अपनी जिंदगी को इसी मोड़ तक खींच पाई, लेकिन बदले में मिला मुझे अपमान और बेइज्जती। पता है पिताजी, उनके सुख के लिए मैंने अपने जिंदगी के सारे सुख शांति का त्याग कर दिया है, अपना परिवार भी नहीं बनाया। मैं तो एक नारी, और नारी के जिंदगी का सबसे बड़ा गहना है उसका पति, और उस पति का सुहाग और सुख मैंने कभी नहीं मांगा। मैंने मांगा तो सिर्फ अपने बहनों का सुख। आज वो लोग मेरा अपमान करके मुझे नीचा दिखाकर सुखी है। पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सारे दुख सारे तकलीफ सहकर जी सकूं पिताजी, ताकि मैं सब कुछ सह सकूं पिताजी, सब कुछ सह सकूं। अरे क्या हुआ, इतनी रात ऊपर कमरे में ना आकर यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी चोर, दीदी गहने चुराएगी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। क्यों नहीं, न मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, सबके सामने रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और तो और वो खुद ही इस बात को मानते हैं। नहीं नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी ने ये कैसे मान लिया कि उन्होंने ही चोरी की है? लेकिन अगर चोर जिस हिसाब से बोलता है, दीदी की बात से बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा। जरूर जरूर दीदी की बातों में कुछ तो कोई तो तकलीफ छुपी है। कैसी ये तकलीफ, कैसा ये दर्द, ये सब बिना जाने मैंने दीदी को कैसे यहां से जाने दिया? क्यों जाने दिया, क्यों जाने दिया? क्या हुआ आपको? अमित, ये ये फोटो आपको कहां से मिली? ये तो मेरे पिताजी और बहनों की फोटो है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे पिताजी और बहनों की फोटो? ये मेरे पिताजी, बहन सुमी, छोटी बहन सोनी,
और दीदी लीमा। तो फिर तू मेरा खोया हुआ भाई है। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई अमित। दीदी दीदी, अरे जल्दी उठा, अस्पताल ले चलते हैं। उठा उठा। हाँ, संभाल के। क्यों रे, सोया नहीं? छोटे, दीदी के जाने के बाद मेरी तो रात की नींद चली गई है। ऐसी रात बीती तो मैं तो मर जाऊंगा। बड़े, मेरा भी वही हाल है। चल हम दीदी के पास चल, दीदी ने अगर गहने लिए भी होंगे वो हमारी माँ है। माँ अगर कोई संतान की चीज लेती है तो उसे चोरी नहीं कहलाती। चल हम दीदी के पास चल। चल चल, रुक जाओ, इतनी रात गए तुम उस चोर के पास क्यों जा रहे हो? सोनी, दीदी को अगर तुमने चोर कहा तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तुम ये सब क्या कह रहे हो? छोटा ठीक ही बोल रहा है, हमारी माँ के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोला ना तो तुम दोनों को इस घर से निकाल देंगे। चल छोटे, चल। सिस्टर, ठीक है। डॉक्टर साहब, दीदी को क्या हुआ है? बजा रिपोर्ट। आप कुछ बोल नहीं सकते। रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? अभी आ जाएगी। आप भी जाएंगे? दीदी दीदी दीदी, कमरे की है हालत किसने की? दीदी कहाँ गई? चल तो उधर जाके देखते। चल क्यों? छोटे, दीदी के साथ सोमी और सोनी का फोटो, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? मेरे सामने सब कुछ है। आ मेरे साथ। सोने सोने सोने, नीचे उतरो। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? सच सच बोलो, इस घर में आने से पहले क्या तुम दीदी को जानती थी? नहीं, नहीं पहचानती। अगर नहीं जानती थी तो तुम दोनों का फोटो दीदी के साथ कैसे आया? ये देखो, दीदी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? चुप मत रहो, बोलो। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है ना, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। दीदी तुम्हारी बहन है। जो जिंदगी भर तुम लोगों के बारे में सोच रही थी, तुम लोगों के तुम्हारे सुख के लिए खुद के खुशी को कुर्बान किया, और इस हाथ से हमारी प्यारी दीदी को तुमने थप्पड़ मारा। माँ जितना प्यार देके दीदी ने तुम्हें इतना बड़ा किया, दूसरों के घर पे काम करके आज तुम दोनों को इतना बड़ा बनाया, और क्यों तुमने फिर दीदी के साथ ऐसा बर्ताव किया? अब सच सच बताओ, दीदी के कमरे में गहने किसने रखे थे? मैं बताती हूँ किसने रखे थे। सोनी ने अपने हाथों से जाके दीदी के कमरे में गहने रखे थे। तुमने हमारे माँ के साथ बेईमानी की है, इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जाओ। माफ कर दो तुम्हें दीदी की कसम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी अगर मांगनी है तो जाओ दीदी से मांगो। मैं खुद जाऊंगी दीदी के पास, मैं कुछ भी करके दीदी को वापस लेके आऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। चल ओ माय गॉड, उन्होंने एक किडनी पहले से ही किसी को दे चुके, दूसरी किडनी डैमेज हो चुकी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब इसका उपाय? उपाय तो एक ही है, आज ही नया किडनी लगाना पड़ेगा। लेकिन किडनी मिलेगी कहाँ? मैं मेरी किडनी लूंगा, आप मेरी किडनी लेकर दीदी को बचाओ। लेकिन किडनी ऐसे थोड़ी दे सकते हैं, पहले मैच करके देखना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए 50,000 खर्चा होगा। आप पैसे की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं पैसे लेकर आता हूँ। आप ऑपरेशन का बंदोबस्त कीजिए। अमित, दीदी के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? दीदी की किडनी खराब हो चुकी है, ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। 50,000 रुपए? मैं तुम्हारे पिताजी के पास पैसे लाने जा रहा हूँ, तू दीदी के पास रुक जा। ए सुन, देखना जल्दी आना।
उस्ताद। क्या अमित तू? उस्ताद, उस्ताद मुझे मेरी दीदी मिल गई है, लेकिन मेरी मेरी दीदी बहुत बीमार है, नर्सिंग होम में है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए तकरीबन 50,000 रुपये लगेंगे। उस्ताद, मैंने पूरी जिंदगी आपके पास जो पैसे जमा किए हैं, आज मुझे उसकी जरूरत है उस्ताद, दया करके मुझे वो पैसे दे दीजिए उस्ताद। तू अपनी दीदी से कहाँ मिला अमित? बहुत सारी बातें हैं, बाद में बताता हूँ, अब जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए। अमित, तू अपनी खोई हुई दीदी को इतने दिनों बाद ढूंढ निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमित, तू तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए पैसे लेकर अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। दीदी घर पे नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब है, चल यहाँ देख लेते हैं एक बार। आप लोग यहाँ? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अमित की दीदी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। दीदी, दीदी कहाँ है बताओ, आओ मेरे साथ। दीदी इसी कैबिन में है। अमित, सारे पैसे तू एक साथ लेके जा रहा है? हाँ यार, आज मुझे पैसे की जरूरत है। ले, तेरे सारे जमे पैसे इसी बैग में है, तेरी अमानत तुझे वापस करके आज मुझे शांति मिलेगी। अमित जा, अभी तू लेट मत कर, तू जा जल्दी यहाँ से, जा जा जा। हाँ हाँ, जा जा। वो पैसा उसको लेके जाने दे। डॉली, टोटा, मोना, इसको ले जा यहाँ से। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, तुम्हारा दिन गया अभी। पैसे का बैग छोड़ दो। अमित की मेहनत का पैसा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, बैग छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी जान भी लो तो भी नहीं दूंगा। तो फिर तुम्हारी जान भी ले लेंगे। अमित, उस्ताद, 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 अमित, दरवाजा खोलो उस्ताद, 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 आपकी ये हालत किसने की उस्ताद, बोलो। अमित, मेरी चिंता मत कर, तू कैसे भी करके रोनी से वो पैसे ले ले। नहीं नहीं उस्ताद, तू जा अमित अपनी बहन को। नहीं उस्ताद, नहीं। अमित, प्रिया को तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। कोई उसका ख्याल दूर तू रखना। नहीं नहीं, तेरी उस्ताद चलो बाहर आओ। ये देख ये सारे रुपए हमारे हैं। उस्ताद तो खत्म हो गया, चलो निकल जाते। कमीने, छोड़ मुझे, छोड़।
छोड़, छोड़ दे मुझे। छोड़ मुझे। सर, ये आपसे मिलने आए। ओ, आइए बैठिए। क्या बात है भाई? आपका दीदी का जो रिपोर्ट आया वो आप लेने नहीं आए? उनका रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। क्यों, दीदी को क्या हो? उनका किडनी डैमेज हो चुका है। किडनी डैमेज हो गई है? हाँ, दो एक दिन में एक्शन नहीं लेंगे बचाना मुश्किल हो जाएगा। लीजिए रिपोर्ट। थैंक यू। दीदी की इतनी बड़ी बीमारी, दीदी जरूर नहीं जानती होगी। इतनी बड़ी बीमारी के साथ दीदी ना जाने कहाँ गई, क्या पता। छोटे, हाँ बोल। कुछ भी करके दीदी को ढूंढना ही पड़ेगा। इस तरह चुपचाप बैठ नहीं सकते। चल, चल। ये आप क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? दीदी की एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी डैमेज हो गई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? ओ हाँ, याद आया। वो थोड़े दिन पहले यहाँ आए थे और एक किडनी बेच के गए और ये कह के गए बहनों के एग्जाम के लिए पैसे जरूरी है। अच्छा, क्या आप वो दोनों बहनें हो? डॉक्टर साहब, अगर मेरी दीदी के दोनों किडनी खराब हो गई मैं किडनी दूंगी। मैं भी एक किडनी दूंगी डॉक्टर साहब। आप सारा बंदोबस्त कर लीजिए। तो जल्दी से 50,000 का बंदोबस्त करो। अभी ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट को अभी हम नहीं बचा सकते। आप सारा बंदोबस्त कर लीजिए डॉक्टर साहब। मैं खुद पैसे लाऊंगी। हेलो प्रोफेसर मुखर्जी, एक ऑपरेशन है, आप अभी नर्सिंग होम में आ जाइए। सुनो। क्या हुआ भाभी जी? अजय विजय दोनों घर पे नहीं है? नहीं साहब, लोग तो कोई घर पे नहीं है। ये क्या? सुनो, अगर वो लोग आ गए तो उनसे कहना कि दीदी हॉस्पिटल में है, 50,000 रुपयों के लिए दीदी का ऑपरेशन रुका हुआ है। क्या बात कर रहे हो भाभी जी, हमारी दीदी हॉस्पिटल में? जैसे ही वो लोग आए उनसे कहना पैसे लेके हॉस्पिटल आ जाए। और सुनो, मुझे एक पेन और पेपर दे देना, मैं हॉस्पिटल का नाम लिख के देती हूँ तुम्हें। तुम भूलना मत कुछ भी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। दीदी सॉरी मैडम, ऑपरेशन के लिए तो पैसा चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह तक सारे पैसे चुका दूंगी। देखिए, हम भी यहाँ नौकरी करते हैं, मालिक का रजामंदी मिला तो ही ऑपरेशन कर सकते हैं। आप अगर मालिक से बात करके आते हो तो ऑपरेशन कर सकते हैं। वो मालिक अच्छा ठीक है, आप मुझे प्लीज उनका एड्रेस दे दीजिए प्लीज। हाँ देता हूँ अभी।
नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो बेटी? मैंने तुमको पहचाना नहीं। मेरी दीदी आपके नर्सिंग होम में एडमिट है। हाँ। आज ही उनका ऑपरेशन होने वाला है। 50,000 रुपयों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। हाँ। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम गरीब हो? देखिए, मेरे पति और मेरे देवर दोनों घर पे नहीं हैं। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह तक मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। लेकिन बिना पैसे के तो ऑपरेशन नहीं कर सकते बेटा। पिताजी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कल सुबह तक सारा पैसा मैं लौटा दूंगी। देखो, नर्सिंग होम का रूल तो मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे पिताजी बोला है तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे देता हूँ। तुम टाइम पे लौटा देना मुझे, ठीक है? तुम यहीं पे रुको। ऐसा लगता है कि मैं इनको जानती हूँ, बहुत जाने पहचाने से लगते हैं। बेटी लेमा, एक दिन गरीबी में मैंने तेरे जमा किए हुए पैसे गुल्लक से चोरी किए थे। आज मैं अपनी कमाई से सारे गुल्लक में थोड़ा थोड़ा भर के रखा हूँ। अगर भगवान मुझे तुझसे दोबारा मिला देते हैं, उस दिन सारे गुल्लक मैं तेरे हाथों में सौंप दूंगा। लेकिन बेटी, आज तेरे जैसी एक बेटी मुश्किल में मेरे पास आई है मदद के लिए, इसलिए तेरे जमा किए हुए सारे पैसों में से उसको मैं 50,000 का निभा दूंगा। क्या पता उस लड़की की दुआ से ही एक दिन शायद मेरे सारे बच्चे मुझे मिल जाए। ये लो बेटा, पैसा पकड़। पिताजी, कल सुबह तक मैं सारा पैसा लौटा दूंगी। आपका ये एहसान, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन बेटा, इतनी रात को तुम इतने पैसे लेकर के नर्सिंग होम कैसे जाओगी? तुम रुको, मैं अपनी गाड़ी से तुमको नर्सिंग होम छुड़वाता हूँ। सुजीत, सुजीत। यस सर। सुनो, तुम इनको अपनी गाड़ी से नर्सिंग होम छोड़ जाओ। तुम जाओ। चलती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं पूरे पैसे लेके आई हूँ। सिस्टर। जी सर। ये पैसा काउंटर पे जमा कर दें। और आप ये फॉर्म फिलअप करके साइन कर दो। अच्छा। अच्छा, लीमा नाम की पेशेंट कौन से रूम में है बता सकते हैं? वो भी ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में है। सब तो सुन लिया ना? सोनी और शुमी दीदी को बचाने के लिए किडनी दे रही है। इसके अलावा दीदी को कैसे बचाते भला? ये उनके भूल का प्रायश्चित है।
मैं अजय को जाके बुला लाता हूँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं तो। सोनी देख कौन आया है। तुम? हमने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली। दीदी कैसी हैं? ऑपरेशन हो गया लेकिन होश नहीं आया। तो फिर तुम लोग जाओ, दीदी को एक बार देख के आओ। चल छोटे। आपकी दीदी आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है? आपका किडनी खराब हो गया था। दो लड़की ने एक एक किडनी देके आपको जीवन दान दिया। मेरी किडनी खराब हो गई थी? तो फिर बताओ किसने मुझे किडनी दी? बताओ, चुप क्यों खड़े हो? बोलो बोलो, चुप क्यों खड़े हो? सुमी और सोनी ने एक एक किडनी दी है आपका जीवन बचाने के लिए। हाँ? सुमी सोनी, उन लोगों ने किडनी दी? बोलो कहाँ है? बोलो कहाँ है? लेट जाइए, आपको तकलीफ। बोलो बोलो कहाँ? लेट जाइए दीदी, छोड़ो मुझे। अरे लेट जाइए, उनके पास जाना है। छोड़ो दीदी, आराम कीजिए दीदी। सुनिए तो, सुनिए तो, छोटे बच्चे। सुमी सुमी सोनी, सुनिए सुनिए तो दीदी, भागना ठीक नहीं आपके लिए। दीदी सुमी सोनी, दीदी दीदी, ये क्या? अब ठीक तो है ना दीदी? तुम लोगों ने ये क्या कर लिया? क्यों मुझे बचाया तुम लोगों ने? दीदी आप शांत हो जाइए दीदी, हम लोग ठीक हैं दीदी। हाँ सच में। तुम उठकर चली आई? हाँ भैया। अमित, ये लोग तेरी छोटी बहन है सुमी सोनी। सच्ची दीदी, ये मेरी बहन है सुमी सोनी। भैया हमारे भैया। ये क्या, आप उठ के यहाँ कैसे चली आई? आप अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। सिस्टर, कौन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? इससे ज्यादा खुश तो मैं कभी नहीं हुई थी। मुझे मेरे खोए हुए भाई बहन फिर से मिल गए हैं। भगवान आप लोगों के साथ था, इसलिए ये पूरी तरह ठीक होके घर पे जा रही है। जानती हो दीदी, इस नर्सिंग होम के जो मालिक है ना, उन्होंने ही उस रात को आपके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए दिए थे मुझे। नर्सिंग होम का मालिक? हाँ दीदी, अगर उस रात वो पैसे नहीं देते तो फिर शायद आपको हम किडनी नहीं दे पाते और शायद आपको बचाना मुश्किल हो जाता। जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें पैसे दिए थे, उस महान इंसान को एक बार मैं चरण छूकर प्रणाम करना चाहती हूँ। हाँ दीदी, उस महान इंसान के पास हमें जाना होगा। चलो दीदी। नमस्ते। 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 आप लोग बैठिए, साहब को मैं बुलाता हूँ। भाई साहब, आपने मुझे एक दिन मौत के मुंह से बचाया था, लेकिन होश आने के बाद जब मैं अपने बच्चों को ढूंढने गया तो पता चला कि मकान मालिक ने उनको बाहर निकाल दिया और वो कहां गए किसी को कुछ पता नहीं। मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं मिले नहीं। आपने तो कहा था एक न एक दिन तो मैं अपने बच्चों से जरूर मिलूंगा, लेकिन कहां? आपकी बात तो सही निकली नहीं। पता है, एक दिन मजबूरी में आके लीमा का पैसों वाला गुल्लक मैंने तोड़ के चोरी किया था, खाना खिलाने के लिए सबको। गुल्लक के लिए लीमा
लीमा बहुत रोई थी उस दिन। आज देखो, मेरी कमाई के सारे पैसे इन गुल्लक में जमा है और लीमा को वापस करने के लिए। तू अभी भी रो रही है बेटी? रोना मत बेटी, रोना मत। देख तेरे लिए मैंने कितने रुपए इस गुल्लक में जमा करके रखे हैं, सब तेरे लिए। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू है, हंसना रोना। रोना ना तू, आंसू ना बहा, जीवन के दो पहलू है, हंसना रोना। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। जीवन के सफर में दुख दर्द भी आएगी, जख्म से भरा दिल टूट ही जाएगी। सुख का है सांस भर लेगा दिल, नाना तू आंसू न बहा, जीवन के दो पहलू है, हंसना रोना। छुप गया प्यार की रोशनी, जलती रहे सदा, परवाह नहीं गर अंधेरा से, सब छुप गया प्यार की रोशनी, जलती रहे सदा। ये रोशनी पिताजी, तू मेरी लीमा है। हाँ, मैं लीमा बेटी, मैं लीमा। तुम्हारी बेटी। पिताजी, मैंने तुम लोगों को कितना ढूंढा लीमा, कितना ढूंढा। मेरा अमित कहाँ है? अमित सोनी सुमे कहाँ है? ये रहा अमित। मेरा अमित, और सोनी सुमी वो रहे सुमी सोनी। पापा, पापा सुमी सोनी, पापा मुझे मिल गया, मेरा पूरा परिवार मुझे मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।